Hello everybody, welcome to Step by Step Study Channel. So how's everybody? So guys, today in this video we are going to cover a few classic words and few foreign words which are very important from your SSC point of view. And ये काफी बार पूछे जाते हैं SSC में, तो जितने भी maximum words हैं वो हम आज इस slide में जो है cover up कर लेंगे. So let's get started. पहला word हम देख लेते हैं आपका. एक मैं पेन उठा लूँ नीचे से. The first word is ab initio. Ab initio का मतलब होता है from the beginning, ठीक है? मतलब शुरुआत से. A वाले word हम करते हैं पहले. Then is ad valorem, ठीक है? Ad valorem होता है according to value. चलिए. तीसरा word आपका है ad interim. Ad interim का मतलब होता है अंतरिम. In the meanwhile, ठीक है? हिंदी में आपका लिख देती हूँ. इसका मतलब होता है अंतरिम. In the meanwhile, ठीक है. चलिए अब आपका है absent omen. Absent omen इसमें नहीं दिया हुआ, पर हम लिख लेते हैं एक वर्ड absent omen. May there be no little ill omen, ठीक है. Absent omen का मतलब होता है may there be no little omen, कोई अपशगुन ना हो. जब हम बोलते हैं ना may there be no little omen, तो बोलते हैं absent omen, ठीक है. Absent omen, may there be no little omen, ठीक है. May there be no little, no ill omen, ठीक है. फिर है आपका a dux, a d e u x. ये देखिए, ये वर्ड है आपका a d e u x. a dux का मतलब होता है of or for two persons, दो के लिए, ठीक है. फिर एक वर्ड है आपका ad hoc. ad hoc बहुत बार आपने सुना भी होगा. ad hoc, ad hoc का मतलब होता है For this special purpose, for this special purpose, ठीक है, इस विशेष उद्देश्य के लिए इसको बोला जाता है ad hoc. चलिए ad infinitum, एक वर्ड है आपका ad infinitum, a d ad infi i n f i n i t u m ad infinitum, ठीक है. ad infinitum का मतलब होता है till infinity. ये इन्फिनिटिम इन्फिनिटी इसमें ही आ गया, टू इन्फिनिटी मतलब अनंत तक, ठीक है. एड इंटरिम हमने अभी किया ही है, इन द मीन वाइल. फिर एक वर्ड आप लिख लीजिए एड रेफरेंडम, ए डी एड रेफरेंडम, आर ई एफ ई आर ई एन डी यू एम, एड रेफरेंडम. एड रेफरेंडम का मतलब होता है आपका फॉर कंसिडरेशन, आगे विचार किए जाने के लिए, ठीक है. जब हम किसी भी उसको रख देते हैं कंसिडर करने के लिए, तो हम बोलते हैं एड रेफरेंडम, आगे विचार किए जाने के लिए. फिर एक वर्ड आप लिखिए एड रेम, ए डी आर ई एम, एड रेम, ठीक है. लिख लीजिए आप इसको ए डी देन आर ई एम. एड रेम का मतलब होता है आपका मुद्दे पर, टू द पॉइंट. जब हम बात करते हैं किसी मुद्दे की, टू द पॉइंट की, तो बोलते हैं हम एड रेम, ठीक है. फिर एक वर्ड आप लिख लीजिए अफेयर, ए एफ एफ ए आई आर ई डी यू सी ओ ई यू आर. मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर आपका ए एफ एफ ए आई आर ई अफेयर डी यू बी यू एंड आगे आप लिखिए C O E U R, C O E U R. Affair the queer का मतलब होता है आपका प्रचलित, जो फैशन में हो, ठीक है, इन दी फैशन. देन एक वर्ड आपका फिर मैं कराती हूँ आपको ए यू फॉन्ट, अ फॉन्ट. ये सारे मैं आपको बता दूँ. सबसे पहले हम ए वाले वर्ड्स लिख रहे हैं, तो आप अपनी नोटबुक में उठाइए और पहले ए वाले वर्ड्स लिख लीजिए. ए यू एफ यू एन डी, ठीक है, एफ ओ एन डी ए फॉन्ट, ठीक है, ए यू एंड देन इज एफ ओ एन डी. ए फॉन्ट का मतलब होता है आपका फंडामेंटली असेंशियली, ठीक है, मतलब मूल रूप से जो है आपका, मूल रूप में जो होते हैं उसको बोलते हैं ए यू फॉन्ट. देन अब आप वर्ड लिखिए आपका एड एंटी मेरिडियन. एंटी मेरिडियन आपने देखा भी होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा. इट इज एंटी मेरिडियन, एम ई आर आई डी आई ई एम, एंटी मेरिडियम. एंटी मेरिडियम का मतलब होता है बिफोर नून, ठीक है, बिफोर नून, बिफोर नून, तो इसका मतलब होता है मध्याय पूर्व. चलिए अब एक वर्ड आप लिखिए इसमें एला मॉड इन द फैशन, ठीक है, ए ला मॉड
in the fashion. A L A M O D E. A la mode मतलब होता है in the fashion, जो आजकल फैशन में चल रहा हो, इन द फैशन में हो, ठीक है, इन द फैशन में प्रचलित. देन राइट डाउन एनो डोमिनी. एडी का मतलब जो होता है वो आपका आफ्टर डेथ नहीं होता, उसका मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है. कभी जब एडी और बीसी जो आपका लिखा होता है बिफोर क्राइस्ट आफ्टर डेथ, जिसको आप पढ़ते हैं, उसका एक्चुअल मीनिंग जो होता है वह एनो डोमिनी, ठीक है. एनो ए एन एन ओ डी ओ एम आई एन आई. एनो डोमिनी का मतलब होता है ईसवी सन, मतलब कि इन द ईयर ऑफ लॉर्ड. एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड. देन एक और वर्ड लेते हैं, दैट इज एल्टर एगो. एल्टर एगो, ई जी ओ, आप ईगो बोलते हैं, ठीक है, राइट. सो राइट इट डाउन, ए एल टी ई आर, एल्टर, ए एल टी ई आर, एल्टर ई जी ओ. एल्टर एगो का मतलब क्या होता है आपका, अंतरंग मित्र, अनंतरंग जो मित्र, अ वेरी क्लोज फ्रेंड, अनदर सेल्फ, ठीक है, हमारी ही तरह जो हो, बिल्कुल हम एक, या फिर बहुत ही सच्चा मित्र, बहुत ही क्लोज मित्र आपका. चलिए एक पढ़ लेते हैं अब हम अल्मा मैटर. अल्मा, ए एल एम ए, अल्मा मैटर, एम ए टी ई आर, लिख लीजिए आप अपनी नोटबुक्स में इसको, अल्मा मैटर. अल्मा मैटर का मतलब होता है मातृ संस्था, या फिर जहाँ से आपने जो है अपनी स्नातक की जो शिक्षा प्राप्त की होती है, ठीक है. बेनिग्न मदर, द टर्म दैट इज यूज्ड बाय फॉर्मर स्टूडेंट्स इन रेफरिंग टू देयर यूनिवर्सिटी. जब हम बात करते हैं आपने कहाँ से अपनी शिक्षा प्राप्त की है, तो आप बोलते हैं उसमें अल्मा मैटर, दैट मीन्स आपने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की है, ठीक है, रेफरेंस टू द यूनिवर्सिटी, रेफरिंग टू द यूनिवर्सिटी. देन एक आप वर्ड लिखिए इसमें, एनस मिराबिलिस. एनस मिराबिलिस, ठीक है, एनस मिराबिलिस, द स्पेलिंग इज A N N U S N S M I R A, ठीक है, B I L I S, B I L I S. Annus Mirabilis का मतलब होता है ईयर ऑफ वंडर, शुभ वर्ष, जो जहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी घटनाएं जिस वर्ष में होती हैं, आश्चर्यजनक एंड अच्छी, उसको बोलते हैं Annus Mirabilis, ईयर ऑफ वंडर. चलिए अब है आपका एल्टो रिलीवो. एल्टो रिलीवो अभी हमारा नहीं हुआ है वर्ड, सो राइट इट डाउन, ए एल टी ओ, एल्टो, ए एल टी ओ, एंड देन रिलीवो, आर ई एल आई ई वी ओ, आर ई, आर ई एल आई ई वी ओ. एल्टो रिलीवो का मतलब होता है आपका हाई रिलीफ, बहुत अच्छी उच्च स्तर की राहत, हाई रिलीफ, ठीक है. चलिए अब एमोर पैट्रिए. एमोर पैट्रे, ए एम ओ आर, एमोर, पी ए टी, पी ए टी आर आई ए ई, एमोर पैट्रे, इसका मतलब होता है लव ऑफ कंट्री, देश का प्यार, ठीक है, मेरे देश का प्यार, एमोर पैट्रे. चलिए अब एक वर्ड लिख लीजिए आप, अल्टर एगो भी आपका हो गया है, देन आप लिखिए ओ कंट्रायर, ठीक है, इसका मतलब होता है, और कंट्रायर का मतलब होता है उल्टे, ऑन द कॉन्ट्ररी, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी, ओ ए यू सी ओ एन टी आर ए आई आर ई, दैट इज ओ कॉन्ट्ररी. ओ फॉन्ड, ए यू एफ ओ एन डी, आपसे पूछा जाए दैट मीन्स मूल रूप से, फंडामेंटली, असेंशियली, ओ फॉन्ड, ठीक है, फंडामेंटली, असेंशियली. और एक वर्ड है आपका ओ ए यू, लिख लीजिए ए यू आर ई वी ओ आई आर, ठीक है, आर ई वी ओ आई आर, एंड इट मीन्स गुड बाय टिल वी मीट अगेन, अलविदा, या फिर टिल वी मीट अगेन, जब हम फिर मिलेंगे, उसको बोलते हैं आपका एवर बॉयर. चलिए मैं इसको इरेज कर लेती हूँ. अब हम नेक्स्ट वर्ड लेते हैं आपका. नेक्स्ट वर्ड आप लेंगे यहाँ पर कौन सा है, ए बी, बी के बाद सी, ठीक है. पहले मैं ऐसे ही आपको लाइन वाइज कराऊंगी, अल्फाबेटिकली हम चलते हैं, ताकि हम जितने भी मैक्सिमम वर्ड्स हैं उनको कवर कर लें. ओके चलिए,
चलो चलो पहले इंट्रावायस कर लेते हैं आपका, इसको ले लीजिए आप। एक वर्ड है आपका इंट्रावायर्स। इंट्रावायर्स का मतलब होता है विद इन द पावर्स, ठीक है, पावर्स में, विद इन द पावर्स, ठीक है, अपनी शक्तियों में, उसका मतलब होता है इंट्रावायर्स। चलिए इंट्रावायर्स के बाद और ले लेते हैं आई से वर्ड, आपका क्या क्या बन सकता है। इप्सो फैक्टो, बाय द रीजन, बाय रीजन ऑफ द फैक्ट, ठीक है, बाय रीजन ऑफ द फैक्ट होता है आपका इप्सो फैक्टो, तथस्थ जो होता है उसको बोलते हैं इप्सो फैक्टो, तथस्थ, ठीक है, तथ्य से जो प्रमाणित हो, तथ्य से प्रमाणित, दैट इज इप्सो फैक्टो। फिर एक वर्ड लिख लिए आप इन टोटो, इन टोटो, INTOTO, इन टोटो का मतलब होता है एंटायरली, ठीक है, पूरी तरीके से, एंटायरली इन टोटो, ठीक है, पूरी तरीके से। देन इप्सो फैक्टो, ये हमारे कन्वर्ट, ये हमने कवर कर लिया है। अब लिखिए इंटर आलिया, INTER, INTER, ALIA, इंटर आलिया का मतलब होता है अमंग दी अदर थिंग्स, अमंग दी अदर थिंग्स मतलब परस्पर, ठीक है, अमंग दी अदर थिंग्स। प्लीज राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स, अगर आप लिख रहे हैं, अदरवाइज आप सुन भी लेंगे तो भी आपको जो है रिवाइज हो जाएगा ये। देन द वर्ड इज इन लोको पेरेंटिस, इन INLOCO, इन लोको पेरेंटिस, PARENTIS, इन लोको पेरेंटिस, PARENTIS, इन लोको पेरेंटिस का मतलब होता है माँ या पिता के स्थान पर, ठीक है, इन द प्लेस ऑफ पेरेंट्स, इन द प्लेस ऑफ पेरेंट्स, इन लोको पेरेंटिस, पेरेंटिस में ही आप देख सकते हैं पेरेंट्स आ रहा है, इन द प्लेस ऑफ पेरेंट्स दैट मीन्स माता या पिता के स्थान पर, जब आप किसी को माता या पिता के स्थान पे दर्जा देते हैं या फिर लेके जाते हैं तो उनके स्थान पे जो होता है उसको बोलते हैं इन लोको पेरेंटिस। इंटर आलिया मैंने बता दिया आपका अमंग द अदर थिंग्स। देन एक वर्ड आप लिखिए IDEST, ID, जब हम आई ई लिखते हैं ना इस तरीके से, आई ई, व्हाट इज दिस, इसको बोलते हैं आई, इसकी फुल फॉर्म होती है IDEST, पर इसका मतलब क्या होता है, दैट इज, ठीक है, IDEST का मतलब होता है दैट इज, ओके, दैट इज अर्थात, बोलते हैं ना आई ई, दैट इज अर्थात, ओके। देन इज इन कैमरा, इन कैमरा, INCAMERA, इन कैमरा का मतलब होता है आपका निजी कैमरे में, निजी कमरे में, ठीक है, इन अ जज या प्राइवेट रूम, या फिर जज का जो प्राइवेट रूम होता है वो, या फिर कोई भी प्राइवेट रूम को बोलते हैं हम इन कैमरा। चलिए आई से हमारे जितने वर्ड्स हैं हमने जो है कवर अप कर लीजिए हैं, तो नीचे देखते हैं आपका वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, द अदर वे राउंड, वाइस वर्सा इज द अदर वे राउंड। चलिए वाइस वर्सा है, वी से आपके और क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं, पहले लिखिए आप विया, वाया, मीडिया, वाइसा के साथ ही वाया, MEDIA, वाया मीडिया, इसको आप बोलते हैं मीडिया के मध्य से, ठीक है, मीडिया के माध्यम से, वाया मतलब किसी की भी माध्यम से, मतलब माध्यम से, ठीक है, किसी भी माध्यम से उसको बोलते हैं वाया, वाया मीडिया इज किसी भी माध्यम से, एंड दैट मीडिया आ गया तो मतलब मीडिया के माध्यम से, ठीक है, अ मिडिल कोर्स, मीडिया यहाँ पर वो वाला मीडिया नहीं है जो आपका न्यूज़ वाला मीडिया, मीडिया मीडियम से मीडिया बनता है, ठीक है, अ मिडिल कोर्स, ठीक है, अ मिडिल कोर्स, MIDDLE, मिडिल कोर्स। चलिए अब आप एक वर्ड ले लीजिए वेट इन पेस, वेट इन पेस लिख लीजिए आप, VADE, वेट, INPACE, वेट इन पेस, पेस का मतलब तो आपको पता ही है स्पीड होता है इसका मतलब, वेट इन पेस का मतलब होता है गो इन पीस, ठीक है, पेस यहाँ स्पीड से कोई मतलब नहीं है, ना ही लेना देना है, कि भाई आपको शांति मिले, गो इन पीस, गो इन पीस, कि आपको शांति मिले उसको बोलते हैं वेट इन पेस। चलिए आई होप ये आपको वर्ड्स जो है क्लियर हो गए होंगे, वी से आपको और कोई वर्ड है इसमें, नहीं बिल्कुल नहीं। चलिए अब हम इसको इरेज कर लेते हैं और फिर आगे नए वर्ड्स देखते हैं, ठीक है।
तो आपका है, फिर हम लेते हैं वर्ड, वाइस वर्सा, हमने वी वाले जितने भी वर्ड्स है वो आपने कवर अप कर लिए हैं. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज स्टेटस को. स्टेटस को इसका मतलब क्या होता है? प्रेजेंट कंडीशन. आपकी जो प्रेजेंट कंडीशन होती है उसको बोलते हैं स्टेटस को. जैसे आपको बोला जाए अभी आपका स्टेटस को क्या है, मतलब अभी आपकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, सो दैट इज स्टेटस को. ठीक है, सो प्रेजेंट कंडीशन या फिर यथास्थिति जो आपकी है. अब ऐसे आपके और कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं, आप एक लिख लीजिए, सब रोजा. जब हम लिखते हैं SUBROSA, सब रोजा, दैट इज गुप्त रूप से. ठीक है, रोजा, सब रोजा इज गुप्त रूप से, अंडर द रोज, सीक्रेटली, अंडर द रोज, अंडर द रोज, एंड वी कैन से इट सीक्रेटली, SSCRETLY. ठीक है, नाउ टेक अनदर वर्ड, दैट इज सब्जुडाइज. सब्जुडाइज, SUBJUDICE. सब्जुडाइज मीन्स विचारधीन. ठीक है, अंडर कंसिडरेशन. सब्जुडाइज इज अंडर कंसिडरेशन. स्टेटस को यू नो आपका पता ही दिया था, प्रेजेंट कंडीशन. फिर एक वर्ड है आपका सिक, SIC. SIC, ये SICK वाला नहीं है, ये SIC वाला है. तो SIC ये होता क्या है, इस प्रकार से. ठीक है, दस ऑफन यूज टू कॉल अटेंशन टू सम कोटेड मिस्टेक. जब आपको किसी को किसी के अटेंशन की तरफ ध्यान डाइवर्ट करना होता है तो इट्स ऑफन यूज टू कॉल अटेंशन टू सम कोटेड मिस्टेक. ठीक है, इसको मतलब होता है सिक. सेंडाई अगर हम करते हैं, SINDAI, DIE, ये वर्ड है आपका. इसका मतलब क्या होता है, अनिश्चित काल के लिए, विदाउट डेट या इनडेफिनेटली जो पोस्टपोन हो जाता है उसको अनिश्चित काल के लिए उसको बोलते हैं सैंडाई. देन एक वर्ड आप लिख लीजिए, सैनसॉकी, SANS, सैंस, SAUCI, सैनसॉकी. इसका मतलब होता है लापरवाह, विदाउट केयर, विदाउट केयर, लापरवाह. चलिए एस वाले जो है हमने वर्ड्स कवर अप कर लिए हैं. नीचे वाला वर्ड देखते हैं, प्राइम फेसी. प्राइम फेसी का मतलब क्या होता है बताइए. प्राइम फेसी का मतलब होता है आपका एट अ फर्स्ट व्यू. एट अ फर्स्ट व्यू मतलब पहली नजर में. ठीक है, प्राइम फेसी इज एट अ फर्स्ट व्यू, पहली नजर में. देन एक वर्ड लिख लीजिए आप पी से ही, पार एक्सीलेंस. पार एक्सीलेंस अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, PAREXCELLENCE, पार एक्सीलेंस होता है आपका अधिकांश. ठीक है, प्री एमिनेंटली जिसका मतलब होता है प्री एमिनेंटली, प्री एमिनेंट. माफ कीजिएगा थोड़ी सी राइटिंग अभी बेकार है, बट मैं ट्राई करूंगी कि इसको अच्छा कर ले. तो पार एक्सीलेंस इज अधिकांश, प्री एमिनेंटली. देन अनदर वर्ड इज परसोना नॉन ग्रेशा. परसोना, PERSONA, परसोना नॉन ग्रेशा, ग्रेशा. ठीक है, GRA, पर्सोना नॉन ग्रेटा, दैट इज अवांछित व्यक्ति. अवांछित व्यक्ति मतलब अनएक्सेप्टेबल और अनवेलकम पर्सन, उसको कहते हैं आपका पर्सोना नॉन ग्रेशा. ठीक है, देन वर्ड इज प्रो टेम्पोर. प्रो टेम्पोर इस मतलब है, टेम्पोर मतलब टेम्पररी, द कुछ समय के लिए, फॉर द टाइम बींग. प्रो टेम्पोर इज टेम्पररी, फॉर दी टाइम बींग. ओके, कुछ समय के लिए. देन द वर्ड इज प्रोपेट्रिया. प्रोपेट्रिया, PROPATRIA, प्रोपेट्रिया. प्रोपेट्रिया क्या होता है, पेट्रियोटिक क्या होता है, आपकी कंट्री के लिए. तो दैट मीन्स कि इसमें भी कहीं ना कहीं कंट्री छुपा होगा, तो इसका मतलब है प्रोपेट्रिया का, देश के लिए, फॉर वंस कंट्री. ओके, सो पी वाले वर्ड्स हमने खत्म कर लिए हैं. नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, इप्सो फैक्टो. आई वाले वर्ड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. एक्स ग्रेशिया, एक्स ग्रेशिया क्या मतलब होता है इसका बताइए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स ग्रेशिया? पेमेंट मेड आउट ऑफ जेनरोसिटी. एक्सग्रेशिया का मतलब होता है एक पेमेंट जो जनरोसिटी के उस पे आधार पे
करी गई हो उसको बोलते हैं एक्स ग्रेशिया। ओके, फिर आप इसमें क्या क्या वर्ड हम ले सकते हैं, एक्स ग्रेशिया हो गया, ई में आप लिखिए एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो क्या होता है आपका, पदाधिकारी, ठीक है, बाय द वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस। एक्स ऑफिशियो मतलब बाय द वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस, जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है, ठीक है, एक्स ऑफिशियो इज बाय द वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस, दैट इज पदाधिकारी। देन राइट ई जी, ई जी हम एग्जाम्पल की शॉर्ट फॉर्म लिखते तो है क्या ये, इसको बोलते हैं एग्जाम्पली ग्रेशिया, ई एक्स ई एम, ई एक्स ई एम पी एल आई, एग्जाम्पली ग्रेशिया, जी आर ए टी आई ए, एग्जाम्पली ग्रेशिया, और इसका मतलब होता है उदाहरणार्थ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। चलिए एक और वर्ड लिखिए आप, एमिनेंस ग्राइस, एमिनेंस ग्राइस, ई एम आई एन ई एन सी, एमिनेंस जी आर आई एस ई, एमिनेंस ग्राइस मतलब होता है महानता, महानता। That means a person who wields power officially, unofficially or behind the scenes. जो काम तो करता है, इतना महान व्यक्ति जो आपका काम करता है, लेकिन वो सामने नहीं आता, पीछे से ही, पर्दे के पीछे से वो अपना काम करता रहता है, अच्छे काम, ठीक है। Now the word is emeritus, E M E R I T U S. Emeritus का मतलब क्या होता है, E M E R I T U S. Emeritus is सेवा मुक्त, जो रिटायर हो चुका हो उसको बोलते हैं emeritus. Then next word is en route, en route, en route, en route, that means रास्ते में, जो रास्ते में पड़े, on the way, march, on the way या फिर march, that is en route. Esprit de corps, esprit de corps मतलब क्या होता है इसका, पहले तो ये लिख लीजिए, इसको लिखते कैसे हैं, e s p r i t, esprit de de c o r एस्प्रिट द कॉर्प्स का मतलब होता है दल भावना, टीम स्पिरिट, ठीक है, टीम स्पिरिट को बोलते हैं एस्प्रिट द कॉर्प्स, टीम स्पिरिट। चलिए अब एक वर्ड ले लेते हैं हम आपका, एक्स पार्टे, एक्स पार्टे, ई एक्स पी ए आर टी ई, एक्स पार्टे का मतलब क्या होता है, एक्स पार्टे इज एकांगी, ऑन वन साइड या पार्टीशन, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एक्स पार्टे। एंड देन एक्स ऑफिशियो अब आपको बता दिया, बाय द वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस, जो भाई पुराना मेंबर हो, एक्स ऑफिशियो मेंबर। चलिए सो लेट्स सी अनदर वर्ड, दैट इज इप्सो फैक्टो वी हैव डन, एक्स ग्रेशिया वी हैव डन, एड वैलोरम, एड वैलोरम, एड वैलोरम का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू वैल्यू, अकॉर्डिंग टू वैल्यू। देन द वर्ड इज स्टेटस क्वो, द स्टेट इन विच थिंग्स आर, जिस स्टेट में जो थिंग्स होती हैं उसको बोलते हैं स्टेटस क्वो। फिर एक वर्ड है आपका एड इंटरिम, एड इंटरिम इन द मीनवाइल, ये वर्ड भी हम कवर कर चुके हैं। एंड देन अनदर वर्ड इज क्वाजी, क्वाजी का मतलब क्या होता है, क्वाजी इज, सॉरी, क्वाजी इज एज इफ इट वर, ठीक है, एज इफ इट वर, दैट इज क्वाजी। चलिए आगे चलते हैं आपका नेक्स्ट स्लाइड में, the next word is caveat, caveat is a warning, ठीक है, a warning को बोलते हैं हम, c-a-v-e-a-t, caveat is a warning। c से अब हम और words ले लेते हैं आपके, पहला word लिखिए आप c से, coriander, coriander क्या होता है आपका, the word means the, आप ये लिखिए spelling क्या होती है इसके, c-o-r-r-i, c-o-r-r-i, g-e-n, g-e-n-d-a, coriander का मतलब होता है आपका शुद्ध शुद्धि पत्रा, ठीक है, थिंग्स दैट आर टू बी करेक्टेड एंड नोन एज कोरिएंडा, ठीक है। देन वर्ड इज कॉन अमोर, सी ओ एन ए एम ओ आर ई, कॉन ए एम ओ आर ई, ए एम ओ आर ई, कॉन अमोर का मतलब होता है आपका आग्रह पूर्वक, विद लव, अर्नेस्टली, विद लव, अर्नेस्टली, ई ए आर एन ई एन ई एस T-L-Y, ठीक है। नाउ वर्ड एक लिखिए आप, छे सारा सारा, छे सारा सारा, सी एच ई एस ए आर ए, एस ए आर ए, छे सारा सारा का मतलब होता है वट विल बी, विल बी, जो होगा वो तो होगा ही, ठीक है, छे सारा सारा इज वट विल बी, विल बी,
जो होगा वो होगा. देन राइट डाउन कार्पे डियम. कार्पे डियम, सी ए आर पी ई डी आई ई एम. कार्पे डियम का मतलब होता है आपका जी भर के जियो, इंजॉय द प्रेजेंट डे. कल का आपको कुछ नहीं पता, कार्पे डियम, जी भर के जियो. देन अनदर वर्ड इज केव कैनम. केव कैनम, सी ए वी ई केव, सी ए एन ई एम. केव कैनम का मतलब होता है आपका, इट मीन्स कुत्ते से सावधान, बिवेयर ऑफ द डॉग. कई जगह आपको ये जो है आपको लिखी मिलेगा आपको कोट, वहां कुत्ते से सावधान भी नहीं लिखा होगा, बिवेयर ऑफ द डॉग भी नहीं लिखा होगा, वहां ये चीज लिखी होगी, दैट मीन्स यू हैव टू बी बिवेयर ऑफ द डॉग. ओके, सो नाउ राइट डाउन कार्ट, सी ए आर टी ई बी एल ए एन सी एच ई, कार्ट ब्लांच. कार्ट ब्लांच का मतलब क्या होता है, सी ए आर टी ई बी एल ए एन सी एच ई. कार्ट ब्लांच का मतलब होता है आपको पूर्ण स्वतंत्रता, फुल पावर्स इज कार्ट ब्लांच. ओके, नाउ लेट अस टेक अनदर वर्ड, राइट डाउन कैसस बेली, सी ए एस यू एस, कैसस बेली, सी ए एस यू एस बी ई एल एल आई. कैसस बेली इज युद्ध का कारण, समथिंग विच इन्वॉल्व्स वॉर. ठीक है, युद्ध का कारण. नाउ राइट कॉरम पॉप्यूलो. कॉरम पॉप्यूलो अनदर वर्ड सी ओ आर यू एम, कॉरम पी ओ पी यू एल ओ. कॉरम पॉप्यूलो का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पीपल, खुलेआम लोगों के सामने. ठीक है, नाउ राइट कॉम्पस मेंटिस. कॉम्पस मेंटिस, कॉम्पस मेंटिस दैट इज सेन, समझदार, सेन. अगर हम इसमें नॉन कॉम्पस मेंटिस कर देते तो दैट मीन्स इनसेन, जो समझदार ना हो. शेफ दे ओवर, शेफ दे ओवर. अब ये भी आपका यूज होता है, आप लिखेंगे कैसे, सी एच ई एस शेफ डी अपोस्ट्रोफी ओ ई यू वी आर ई, ओ ई यू वी आर ई शेफ दे ओवर. इट मीन्स उत्कृष्ट कलाकृति, मास्टरपीस. मास्टरपीस को बोलते हैं शेफ दे ओवर, दैट मीन्स अ मास्टरपीस. चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम कौन सा है, दैट इज एग्जाम्पल ग्रेशिया. एग्जाम्पल ग्रेशिया बाय द वे ऑफ एग्जाम्पल, राइट. देन वी से हम लेते हैं वॉइस सर्विस. वॉइस सर्विस इज फेस टू फेस. वॉइस सर्विस इज फेस टू फेस, हमने आगे भी कर लिए थे जितने भी वी वाले वर्ड से. चलिए फिर से मैं आपको बता देती हूँ, एक है आपका वेड इन पेस. वी से एक आ जाता है आपका वेड इन पेस, दैट मीन्स वेड इन पेस मीन्स आपको शांति मिले, गो इन पीस. सेकेंड वर्ड हमने किया था विया मीडिया. वाया मीडिया मतलब एक मिडिल कोर्स, किसी मीडिया, मीडिया के माध्यम से. ठीक है, अ मिडिल कोर्स. मीडिया होता क्या है आपका, एक मिडिल कोर्स ही तो होता है खबरों का, है ना, या ले जो सब खबरें जो आपकी इधर से उधर होती है वो वाया मीडिया. मीडिया मतलब मिडिल. देन इज वॉलंटियो. वॉलंटियो मीन्स गॉड विलिंग. ओके, चलिए अब एफ से वर्ड देख लेते हैं आपका क्या है. फोर्स मेजर. फोर्स मेजर दैट मीन्स अ सुपीरियर पावर. फोर्स मेजर इज सुपीरियर पावर. अब एक्स से वर्ड हम ले लेते हैं, कौन कौन से आ जाएंगे आपके. एक आपका होता है फॉक्स पास. फॉक्स पास आपने सुना भी होगा. फॉक्स पास का मतलब क्या होता है, अ फॉल्स स्टेप, अ मिस्टेक. एक मिस्टेक को जो हम बोलते हैं फॉक्स पास. ठीक है, कई जगह पे लिखा होता है जो सामाजिक गलती होती है उसको बोलते हैं फॉक्स पास. देन अनदर वर्ड इज फेम फटेल. फेम एफ ई एम एम ई, फेम एफ ए टी ए एल ई, फेम फटेल. इसको बोला जाता है आपको मोहक स्त्री, एक बहुत ही सिडक्टिव वुमेन को बोलते हैं हम फेम फटेल, सिडक्टिव वुमेन. ओके, सो अनदर वर्ड इज फ्लैग्रेंट डेलिक्टो. फ्लैग्रेंट डेलिक्टो एफ एल ए जी ए फ्लैग, एफ एल ए जी आर ए एन टी ई, फ्लैग्रेंट डेलिक्टो डी ई एल आई सी टी ओ. फ्लैग्रेंट डेलिक्टो का मतलब क्या होता है, रंगे हाथों पकड़ना किसी को, रंगे हाथ. ठीक है, इन द वेरी एक्ट, रेड हैंडेड. फ्लैग्रेंट डेलिक्टो मीन्स रेड हैंडेड, किसी को रंगे हाथों पकड़ना, रेड हैंडेड. Now the word is fait accompli. Fait accompli हमने कर लिया है, that means निष्पन्न कार्य, a thing done. Then now write fiat lux. F I A T fiat, F I A T L U X, F I A T L U X.
इसका मतलब क्या होता है? फियाट लक्स, वहां रोशनी होने दो, लेट देयर बी लाइट. फियाट लक्स मीन्स वहां रोशनी होने दो, लेट देयर बी लाइट. फॉली दे ग्रैंडियर, सबसे पहले ये लिखिए आप फॉली, FOLI, फॉली. दे ग्रैंडियर, GRANDEUR, फॉली दे ग्रैंडियर का मतलब होता है, फॉली द ग्रैंडियर मीन्स डेल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर, ठीक है. महानता की मूर्खता करना, महानता की मूर्खता करना भी जो है, अगर आपको लगता है कि आप बहुत महान हो और आप महान कार्य कर रहे हो, और इसी मूर्खता जो होती है, ऐसी मूर्खता को कहते हैं डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, फॉली द ग्रैंडियर. चलिए नाउ नेक्स्ट वर्ड इज डेज्योर. डेज्योर इज कंसर्निंग लॉ, कंसर्निंग लॉ. इसको रब कर लेते हैं हम. तब तक आप नीचे के वर्ड्स देखते हैं, तब तक ये इरेज होता है. आप नीचे के वर्ड्स देखिए क्या क्या हैं आपके इसमें, जितने भी मैक्सिमम वर्ड्स हैं आपके, फॉरेन वर्ड्स हैं आपके, एंड कॉमन वर्ड, जितने भी वर्ड्स होते हैं, मैं सारे जो है इसमें कवर करा दूंगी स्लाइड में. इधर उधर ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे सारे स्लाइड में आपको मिल जाएंगे. ओके चलिए, लिखिए DEJURE. डेज्योर का मतलब होता है कंसर्निंग लॉ. डेज्योर मीन्स कंसर्निंग लॉ. अब अलग अलग वर्ड्स करते हैं डी से आपका. सबसे पहला डबल इंटेंडर, डबल इंटेंडर, DOUBLE ENT, ENTENDRE, डबल इंटेंडर का मतलब क्या होता है? इट मीन्स दोहरा मतलब, डबल मीनिंग. डबल इंटेंडर मीन्स डबल मीनिंग. देन राइट डिस्टिंग, DISTINGUE, DISTINGUE, डिस्टिंग का मतलब होता है आपका विशिष्ट, ऑफ डिस्टिंग्विश्ड अपियरेंस, ठीक है, एक अलग सी अपियरेंस का होना इज डिस्टिंग, अलग से, डिस्टिंग्विश्ड अपियरेंस. देन राइट डिस्ट्रेट, DISTRAIT, डिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? एब्सेंट माइंडेड, बेपरवाह जिसको बोलते हैं, दैट इज डिस्ट्रेट. नाउ राइट डी नोवो, DENOVO, दे नोवो का मतलब होता है नए सिरे से, अन्यू, नए सिरे से, अन्यू. देन राइट डी ग्रेशिया, DEIGRATIA, डी ग्रेशिया, DEIGRATIA, डी ग्रेशिया मीन्स भगवान की कृपा से, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दी मीन्स डी ग्रेशिया. नाउ राइट डी फैक्टो, डी फैक्टो, एक्चुअली इन फैक्ट, वास्तव में. राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स, डी फैक्टो, DEFACTO. मैं आपको स्पेलिंग के साथ साथ बताते जा रही हूँ ताकि कुछ गलत ना हो आपका. डी फैक्टो मीन्स वास्तव में, एक्चुअली इन फैक्ट. ओके नाउ वर्ड इज जे ट्रूप, डी ट्रूप, DETROP, डे ट्रूप. इसका मतलब क्या होता है? डे ट्रूप का मतलब होता है फालतू, फालतू मतलब सुपरफ्लूअस, सुपरफ्लूअस, और अदरवाइज राइट इंट्रूसिव, सुपरफ्लूअस और इंट्रूसिव इज डेट ट्रू. डिस्ट्रेट हमने कर लिया था, डिस्ट्रेट मीन्स एब्सेंट माइंडेड, बेपरवाह. डिस्टिंग, डिस्टिंग मतलब विशिष्ट, ऑफ डिस्टिंग्विश अपीयरेंस. डबल इंटेंडर मीन्स डबल मीनिंग, दोहरा मतलब. ये हमने शायद नहीं किया, डबल इंटेंडर भी हो चुका है आपका, डबल मीनिंग हो चुका है आपका. डीओ वॉलेंटी भी आपका कवर हमने कर लिया है. डीओ वॉलेंटी का मतलब क्या होता है? नहीं शायद आगे सी वाला नहीं हुआ है. राइट इट डाउन, डीओ, DEO वॉलेंटी, BOLENTE, डीओ वॉलेंटी का मतलब होता है देव, गॉड विलिंग, गॉड विलिंग. ओके नाउ राइट डाउन डर्नियर क्राई, DERNIER CRI, डर्नियर क्राई. दैट मीन्स आधुनिक, फैशनेबल, लेटेस्ट फैशन जो होता है आपको उसको बोलते हैं डर्नियर क्राई. ओके तो डी से जितने भी वर्ड्स से मैक्सिमम पॉसिबल बन सकते थे, बन सकते हैं, वो हमने कवर कर लिए हैं. सो लेट्स गो डाउन टू अनदर वर्ड, दैट इज परज्योर. परज्योर का मतलब आपका क्या होता है? टू लाई, झूठ बोलना इज परज्योर. ओके
परच्योर से हम आप पी वाले वर्ड्स जितने भी हमने थे कवर कर लिए हैं, बट फिर भी हम एक और बार कर लेते हैं। पर एक्सीलेंस, पर एक्सीलेंस का मतलब होता है प्री एमिनेंटली, अधिकांश। प्राइम फेसी, प्राइम फेसी का मतलब होता है एट द फर्स्ट व्यू, मतलब पहली नजर में। प्रोपैट्रिया, देश के लिए। फोबंस, कंट्री। प्रोटेम्पोर, फॉर द टाइम बींग, कुछ समय के लिए। पर्सोना नॉन ग्रेशिया, दैट मीन अनवांछित व्यक्ति, अनएक्सेप्टेबल और अनवेलकम पर्सन। सो लेट्स सी अनदर वर्ड, दैट इज एमिकस क्यूरे। एमिकस क्यूरे का मतलब होता है आपका अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट, लॉयर अपॉइंटेड बाय कोर्ट। जो कोर्ट अब लॉयर को जिसको अपॉइंट करता है उसको बोलते हैं हम एमिकस क्यूरे। ए वाले वर्ड जो हमारे हैं वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी से 2 मिनट के टाइम पे। ऑफ ऑन का मतलब क्या होता है? ऑफ ऑन फंडामेंटली, असेंशियली। ऑरिवॉयर, गुड बाय टिल वी मीट अगेन। एड रेफरेंडम, फॉर कंसिडरेशन। एड इंटरिम, इन दी मीनवाइल। एड इन्फिनिटिम, टू इन्फिनिटी। एमोर पेट्रे, लव ऑफ कंट्री। एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। एनस मिराबलिस, ईयर ऑफ वंडर। एंटी मेरिडियन, बिफोर नून। अल्मा मैटर, बेनिग्न मदर, या फिर टर्म दैट इज यूज बाई फॉर्मर स्टूडेंट्स इन रेफरिंग टू द यूनिवर्सिटी। अल्फ्रेस्को, इन ओपन एयर। अफेयर द कोर, एन अफेयर ऑफ हार्ट। एलामोड, इन द फैशन। एड इन्फिनिटिम, टू इन्फिनिटी। एडहॉक, फॉर दिस स्पेशल पर्पज, किसी विशेष उद्देश्य के लिए जिसको रखा जाता है उसको बोलते हैं एडहॉक। एड्यूक्स, ए डी ई यू एक्स, दैट मीन्स दो के लिए, ऑफ फॉर टू पर्सन। एब्सेंट ओमेन, मे देयर बी नो लिटिल ओमेन, कोई अपशगुन ना हो उसको बोलते हैं मे देयर बी नो लिटिल इल ओमेन, दैट इज एब्सेंट ओमेन। एंड देन वर्ड इज अब इनिशियो, मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से। एमोर पैट्री, फॉर द वर्ड ऑफ, फॉर द लव ऑफ कंट्री। एल्टो रिलीवो इज हाई रिलीफ। चलिए नीचे चलते हैं, एक और वर्ड है आपका अलीवी। एल्सवेयर, अलीवी का मतलब होता है एल्सवेयर, कहीं और होना। और आपने जब इसमें मीनिंग्स देखे होंगे इसका मतलब ये भी होता है कि कहीं और होना, जब क्राइम हो रहा है उसको भी बोलते हैं आप अलीवी। नाउ वर्ड देखिए आप, एक है आपका वॉक्स पॉपुली। वॉक्स पॉपुली मतलब पॉपुलर ओपिनियन। वॉक्स पॉपुली मीन्स पॉपुलर ओपिनियन। बी वाले वर्ड हम कर चुके हैं, वाया मीडिया, मिडिल कोर्स। वॉलंटियर मीन्स गॉड विलिंग। वेड इन पीस मतलब गो इन पीस। सब पॉइना, सब पॉइना का मतलब क्या होता है आपका? समन्स, जो समन्स निकालता है कोर्ट उसको बोलते हैं सब पॉइना, ठीक है। एस वाले वर्ड थे आपके सेंस ऑफ की, विदाउट केयर। सब जुडाइस, अंडर कंसिडरेशन। सब रोजा, अंडर दी रोज सीक्रेटली। सिंक्वानोन, एंड इंडिस्पेंसिबल कंडीशन। स्टेटस को मतलब प्रेजेंट कंडीशन। साइंडाई, विदाउट डेट, इनडेफिनेटली पोस्टपोन्डेड। सिक, दैट इज ऑफन यूज टू कॉल अटेंशन टू सम वंस कोटेड मिस्टेक, मतलब किसी भी प्रकार की जो है मिस्टेक की तरफ ध्यान खींचने के लिए जिस वर्ड को हम यूज करते हैं, दैट वर्ड इज सिक। नाउ सी अनदर वर्ड, दैट इज लेक्सटैलिनस। लेक्सटैलिनस दैट इज अनरिटन लॉ। Unwritten law is lex talionis, ठीक है। ऐसे आपके और क्या क्या वर्ड आपका बन सकते हैं, एक वर्ड आप लिख लीजिए इसमें। lapsus, lapsus linguae, lapsus linguae, write it down। LAP, lapsus, LAP, SUS, lapsus, LINGUAE, 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 लैंग्वेज। आपको पता है लैंग्वेज के लिए यूज होता है ये, तो इसका मतलब होता है स्लिप ऑफ टंग, जब हमारी जुबान फिसल जाती है, दैट टाइम वी से लैप्सस लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट। सो द फर्स्ट वर्ड इज टूअर्ड द फोर्स। टूअर्ड द फोर्स, टूअर्ड द फोर्स का मतलब होता है मास्टरपीस, ओके। सेकेंड वर्ड इज सबजुडाइज। अंडर द कंसिडरेशन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, अंडर कंसिडरेशन को बोलते हैं सबजुडाइज। फोर्स मेजर, फोर्स मेजर मीन्स एन इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल। एविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल इवेंट, ठीक है। एन इनएविटेबल इवेंट को बोलते हैं फोर्स मेजर। एक्स फेसी, एक्स फेसी मीन्स इन द लाइट ऑफ व्हाट इज अपेरेंट, इन द लाइट ऑफ व्हाट इज अपेरेंट। इनक्यूरिया, इन ओपन कोर्ट, ओपनली कोर्ट में जब बोलते हैं तो बोलते हैं इनक्यूरिया। टेटे, ए सेटे, टी ई टी ई ए
टेटे 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 मीन्स अ प्राइवेट कन्वर्सेशन को बोलते हैं, एक गुप्त जो कन्वर्सेशन होती है प्राइवेट में होती है जो कन्वर्सेशन, उसको बोलते हैं टेटे टेटे। फियाट अकम्पली, फियाट अकम्पली को बोलते हैं हम। एन अकम्पलिश्ड फैक्ट, एन अकम्पलिश्ड फैक्ट इज फियाट अकम्पली। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज लेक्सफोरी, लेक्सफोरी LEXFORI, लेक्सफोरी मीन्स द लॉ ऑफ द फोरम और कोर्ट, किसी फोरम का या कोर्ट का लॉ को बोलते हैं लक्सफोरी। नाउ वर्ड इज लाल, लेल फियसेंस, लाल फियसेंस मीन्स रॉन्ग डूइंग। LALFEASANCE, दैट इज लाल फियसेंस मीन्स रॉन्ग डूइंग। नाउ द वर्ड इज मॉडस ऑपरेंडी, मॉडस ऑपरेंडी का मतलब होता है वे ऑफ डूइंग समथिंग, वे ऑफ डूइंग समथिंग को बोलते हैं हम मॉडस ऑपरेंडी। नाउ इसमें हम अलग अलग वर्ड कर लेते हैं। सबसे पहले मॉड एम से लिखिए, सबसे पहला वर्ड मैग्नम ओपस, मैग्नम ओपस MAGNUM, मैग्नम ओपस। मैग्नम ओपस का मतलब होता है महान कृति, महान कार्य, अ ग्रेट वर्क। मैग्नम ओपस मीन्स अ ग्रेट वर्क। मॉडस ऑपरेंडी आपको बता दिया, मैन ऑफ वर्किंग दैट इज कार्य प्रणाली को बोलते हैं आपका मॉडस ऑपरेंडी। नाउ राइट डाउन म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस MUTATIS, म्यूटेटिस MUTANDI, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस को बोलते हैं MUM, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। राइट, सो द वर्ड इज म्यूटेटिस म्यूटेंडिस एंड द मीनिंग इज विद द नेसेसरी चेंजेस, आवश्यक परिवर्तनों के साथ जिसको किया जाता है उसको बोलते हैं म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। नाउ राइट मॉडस ऑपरेंडी मल्टम इन पार्वो, लिखिए मल्टम MULTUM, मल्टम MULTUM, मल्टम इन पार्वो, इन PARVO, मल्टम इन पार्वो मीन्स थोड़े में ज्यादा, मच इन लिटिल। ठीक है, थोड़े में ज्यादा का बोलते हैं मल्टम इन पार्वो। मिया कल्पा, मिया कल्पा, राइट इट डाउन, मिया CULPA, मिया कल्पा का मतलब होता है आपका मेरी गलती से, मेरी गलती की वजह से, बाय माई फॉल्ट। नाउ राइट डाउन मल्टेंडू, MALENTENDU, मल्टेंडू का मतलब होता है आपका गलत फहमी, किसी भी गलत फहमी को बोलते हैं मल्टेंडू, दैट मीन्स अ मिसअंडरस्टैंडिंग। मैग्नम ओपस, मैग्नम ओपस मीन्स अ ग्रेट वर्क। एम वाले जितने भी वर्ड्स हमने कवर कर लिए हैं, नीचे आते हैं इंटर आलिया, इंटर आलिया मीन्स अमंग अदर थिंग्स, इंटर आलिया इज अमंग अदर थिंग्स। नाउ द वर्ड इज कोप डिटैट का मतलब होता है एन अब्रप्ट चेंज ऑफ गवर्नमेंट बाय फोर्स, एक बहुत ही फोर्सफुल तरीके से एकदम गवर्नमेंट का चेंज होना, गवर्नमेंट का चेंज होना उसको बोलते हैं कोप DTR। ठीक है, मालाफाइड, मालाफाइड का मतलब होता है बैड इंटेंशन, खराब इंटेंशन। ठीक है, उसको बोलते हैं मालाफाइड। विनी विडी वाइस, विनी विडी वाइस मतलब होता है आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड, मैं आया, मैंने देखा और मैंने उस चीज को कॉन्कर कर लिया, दैट मीन्स विनी विडी वाइस। नेक्स्ट वर्ड इज एल्डोराडो, एल्डोराडो का मतलब होता है एन इमेजिनरी प्लेस, एन इमेजिनरी प्लेस इज एल्डोराडो। टेबुला रोसा दैट इज क्लीन स्टेट, टेबुला रोसा आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा ये, दैट इज TABULARO, टेबुला रोसा इज क्लीन स्टेट। ठीक है, तो अब हम एक आपको बता दूं, मैं कुछ वर्ड्स हमारे रह गए हैं वो हम कवर कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। इसमें बी वाले वर्ड्स हमने क्या कर लिए थे, फिर भी आप सुन लीजिए बी वाले वर्ड। लिखिए पहला वर्ड बॉन होमी, बॉन होमी को आप क्या बोलते हैं, खुश मिजाजी, खुश मिजाजी, या फिर जिसका अच्छा नेचर हो, गुड नेचर इज बॉन होमी एंड दैट इज। नाउ राइट डाउन बॉन्जूर, ये एक फ्रेंच वर्ड है, बॉन्जूर कहते हैं, बॉन्जूर मैडम दैट मीन्स गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैडम मीन्स मैम, सो बॉन्जूर मीन्स नमस्ते, गुड मॉर्निंग। नाउ राइट डाउन बोनाफाइड, बोनाफाइड BONAFIDE, बोनाफाइड का मतलब होता है आपका गुड फेथ। ठीक है, इन गुड फेथ मतलब प्रामाणिक। नाउ राइट ब्यूमोंडे, ब्यूमोंडे BEU, ब्यू
ब्यूमोंडे का मतलब होता है फैशन की दुनिया, फैशनेबल वर्ड. नाउ राइट वेटेनॉयर, BETENOIRE, वेटेनॉयर, BETENOIRE, वेटेनॉयर का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेशल डिटेस्टेशन या पेट एवर्जन, नफरत की वस्तु को बोलते हैं हम वेटेनॉयर. ठीक है, सी के वर्ड जो थे हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. कार्ट ब्लांक का मतलब होता है फुल पार्ट. कैसस बेली का मतलब होता है समथिंग विच इन्वॉल्व्स वॉर. कॉरिगेंडर का मतलब होता है शुद्धि पत्रा, थिंग्स टू बी करेक्टेड. कॉरम पॉपुलो मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ पीपल. कॉनमोर विल लव ऑनेस्टली. कॉम्पस मेंटिस मीन सेम. चेसारा सारा मीन्स व्हाट विल बी. शेफ दे ओवर का मतलब होता है मास्टरपीस. ठीक है, डी से भी हम कर चुके हैं, ई से भी हम कर चुके हैं, एफ से भी हम कर चुके हैं. सो जी वाले भी वर्ड्स हमारे हो चुके हैं. एक वर्ड लिखिए आप, हॉट कुजीन. हॉट कुजीन, HUTE, HAUTE, CUISINE, हॉट CUISINE. हॉट कुजीन का मतलब होता है हाई क्लास कुकिंग, हाई क्लास कुकिंग. आई वाले वर्ड हम कर चुके हैं, फिर भी बता दें आपको, आई डॉट ई का मतलब होता है आई डेस, दैट इज. ठीक है, इन कैमरा का मतलब होता है प्राइवेट रूम, इन जज रूम. इन लोको पेरेंटिस का मतलब होता है इन द प्लेस ऑफ पेरेंट. इंटर आलिया का मतलब होता है अमंग अदर थिंग्स. इन स्टेटस को मतलब फॉर्मर स्टेट. इप्सो फैक्टो का मतलब होता है तथस्थ बाय द फैक्ट इटसेल्फ. लैप्सस लिंगुए का मतलब होता है स्लिप ऑफ टंग. इंटर आलिया का मतलब होता है अमंग अदर थिंग्स, राइट. सो एम वाले वर्ड हम कर चुके हैं. आपको पता है मल्टम इन पार्वो को, मल्टम इन पार्वो का मतलब क्या था? मच इन लिटिल, थोड़े में ज्यादा. म्यूटेटिस म्यूटेंडिस का क्या मतलब था जल्दी बताइए? विद द नेसेसरी चेंजेस, आवश्यक परिवर्तनों के साथ जो किया जाए उसको बोलते हैं म्यूटेटिस म्यूटेंडिस. नी नी एन वाले वर्ड हमारे रह चुके हैं, अब जल्दी से लिखिए एन वाले वर्ड. पहला वर्ड लिखिए एन डबल ई. नी का मतलब क्या होता है आपका? पूर्व कुल नाम. ठीक है, बॉर्न हर मेडन नेम जो होता है आपका, मेडन नेम को बोलते हैं हम नी. नाउ राइट नली सेकंडस, एन यू एल एल आई एस ई सी यू एन डी यू एस. नली सेकंडस का मतलब होता है किसी से पीछे नहीं, सेकंड टू टर्न नन, हम भी किसी से पीछे नहीं है उसको बोलते हैं नली सेकंडस. ठीक है, नोट बैने, नोट बैने कई जगह लिखा होता है ना ये चीज, एन ओ टी ए बी ई एन ई. नोट बैने का मतलब होता है नोट वेल, ध्यान दीजिए अच्छे से नोट कीजिए. नॉन कॉम्पस मेंटिस मैंने आपको बताया था पहले भी, कॉम्पस मेंटिस जब हम कर रहे थे सेन, और मैंने कहा था नॉन कॉम्पस मेंटिस हो जाएगा तो हो जाएगा वो इनसेन. निहिल ऑब्स्टैट, राइट इट डाउन, एन आई एच आई निहिल, एन आई एच आई एल ओ बी एस टी ए टी, ओ बी एस टी ए टी. निहिल ऑब्स्टैट का मतलब होता है निर्बाध, मतलब देयर इज नो ऑब्स्टेकल, देयर इज नो ऑब्स्टेकल मीन्स निहिल ऑब्स्टैट. ठीक है, सो एन वाले वर्ड हम कर चुके हैं, ओ वाले कर चुके हैं, पी पी वाले क्या क्या कराए थे हमने? प्रोपेट्रिया, प्रोटेम्पोर, ये सब कराया था. चलिए आर वाला एक वर्ड आप लिख लीजिए. आर एस वी पी का मतलब क्या होता है आपका? जल्दी बताइए फुल फॉर्म आर एस वी पी की. आर एस वी पी कई जगह पे ये लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है? आर एस वी पी का मतलब होता है आपका रिस्पोंडे सिल्वू प्ले, रिस्पोंडे सिल्वू प्ले, आर ई एस पी ओ एन डी ई जेड सिल एस आई एल वी ओ यू एस सिल्वू प्ले पी एल ए आई टी. टी इसमें आपका साइलेंट है. रिस्पोंडे सिल्वू प्ले, अगर आर एस वी पी ना दिया हो और ये दिया हो तो इसका मतलब होता है प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई. ठीक है, सो एस वाले वर्ड हम कर चुके हैं, फिर से रिवाइज करते हैं. सांसौकी का मतलब होता है विदाउट केयर. सिक का मतलब होता है टू, दस ऑफन यूज टू कॉल अटेंशन टू सम कॉटेड मिस्टेक. संडे का मतलब होता है विदाउट डेट, इनडेफिनेटली पोस्टपोन, मतलब अनिश्चित काल तक के लिए. सब रोजा का मतलब होता है अंडर द रोज, सीक्रेटली. सब जुडाइज का मतलब होता है अंडर कंसिडरेशन. स्टेटस को का मतलब होता है यथास्थिति, प्रेजेंट कंडीशन. सिंक साइन को नॉन का मतलब होता है एन इंडिस्पेंसेबल, अनिवार्य स्थिति. ठीक है,
सो हमने जितने भी पॉसिबल वर्ड्स बनते थे सारे इस स्लाइड में कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में हम जितना पॉसिबल था वो कवर कर चुके हैं। आगे कुछ नए वर्ड्स आएंगे तो हम ज़रूर उसको कवर करेंगे। टिल देन गुड बाय। अच्छे से इस वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिए, नोट्स बनाइए और जितना आप बार 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 रिवाइज करेंगे उतना आपको लर्न होते जाएंगे। ठीक है, बस आपको रट्टा मारना है, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार रिवाइज हो जाएंगे। और जैसे ही पेपर में कोई भी आपका वर्ड आता है इसमें से, देखिए कैसे बेहुद्दे से वर्ड्स लिख रहे हैं, दिख रहे हैं ऐसे, है ना, कोई भी वर्ड आएगा तो आप फटाक से ऑप्शन को जो टिक कर देंगे। सो गुड बाय।